टाइगर 3 को सलमान खान की सबसे बिगेस्ट एंड प्रॉमिसिंग मूवी माना जाता है। इसी बड़े वेंचर की वजह से सलमान खान और यशराज की वापस में टाई अप हुई थी और यशराज के कैरियर को भी काफी हद तक रिवाइव करने में टाइगर का रोल है। टाइगर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस मूवी ने एक तरह का स्पाई यूनिवर्स को जन्म दिया है, और अगर टाइगर 3 का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो पठान भी नहीं होती और वॉर भी नहीं होती। यानी सिद्धार्थ आनंद की जो पठान है, जो वॉर है, वो टाइगर के साथ मिलकर स्पाई यूनिवर्स को क्रिएट कर रही है और इसके लिए सलमान खान सबसे आगे लीड कर रहे हैं। तो ये आगे चलकर अब बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी एवेंजर बन सकती है स्पाई यूनिवर्स के सेगमेंट में। इसके बावजूद टाइगर 3 को लेकर सलमान खान का जो रवैया है बहुत लेजी है। इस मूवी को काफ़ी हद तक वो साइडलाइन कर रहे हैं, कई बार तो इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर भी कंफर्म करते हैं बट बाद में मामला झूठा निकलता है। यशराज के दिन भी बुरे चल रहे हैं, तो टाइगर 3 जो सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी मूवी थी, अब वो बार बार पोस्टपोन का शिकार हो रही है। पहले डिसाइड किया गया था कि टाइगर 3 को अगले साल की ईद पर रिलीज करेंगे, इसके लिए बाकायदा टीजर भी आए थे, फर्स्ट लुक भी आया था और यशराज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आया था, लेकिन एंड मोमेंट पे इस मूवी को फिर से पोस्टपोन करके अगले साल की दिवाली पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि बड़ा चेंज है। सलमान खान और यशराज बॉलीवुड के बहुत बड़े बैनर हैं, बहुत बड़े नाम हैं, इनकी मूवी इतनी जल्दी पोस्टपोन होनी नहीं चाहिए बिकॉज प्रोडक्शन वाइज मूवी इनकी टाइम से कम्प्लीट हो जाती है। प्लस टाइगर 1 टाइगर 2 का जो गैप था वो इतना लंबा नहीं था जो टाइगर 3 को लेकर है। टाइगर 1 यानी टाइगर का पहला पार्ट हमारे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था, पार्ट 2 को अली अब्बास जफर ने बनाया था, पार्ट 3 मनीष शर्मा बना रहे हैं। यानी डायरेक्टर चेंज करने का जो तरीका है यशराज का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिकॉज जिसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अलावा सलमान खान अपनी पुरानी फिल्में उनको पहले फिनिश करने के चक्कर में टाइगर 3 को काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, वरना लॉकडाउन पीरियड में ही चाहते तो टाइगर 3 फिनिश हो सकती थी। और जिस तरह सूर्यवंशी ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, हमारी टाइगर 3 भी उसी टाइम पर आकर बॉलीवुड को रिवाइव कर सकती थी। पर सलमान खान बिग बॉस को ध्यान देते हैं, सलमान खान अंतिम राधे पे ध्यान देते हैं, सलमान खान साउथ की फिल्मों में अपने कैमियो पर फोकस करते हैं बट टाइगर 3 को होल्ड कर देते हैं। इसका नुकसान सलमान खान को हो सकता है बिकॉज फैंस एक लिमिट तक वेट करते हैं अपनी मूवी को लेकर, अगर टाइम पर नहीं आती तो उस मूवी को लेकर जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो टाइगर 3 की जो पोस्टपोन हुई है डेट, उसको लेकर फैंस हताश भी हैं और नाराज भी हैं बिकॉज दिवाली का अरसा बहुत लंबा है और उससे पहले क्रिसमस भी आएगा, ईद भी आएगी, होली भी आएगी, तो पब्लिक बहुत टाइम से वेट कर रही टाइगर 3 का और सलमान खान बार बार पब्लिक को टीज करके इस मूवी को पोस्टपोन करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान की टाइगर 3 ही एक ऐसी मूवी है जो किसी भी तरह से बायकॉट के टारगेट से बची रहेगी बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम था मूवी को लेकर, एंटी पाकिस्तान थॉट भी काम करता है और इसमें उनका करेक्टर भी कोई मुस्लिम सरनेम वाला नहीं है जैसा कि पठान में देखा गया है। बट सलमान खान इस मूवी को पोस्टपोन करके सारा का सारा मजा किरकिरा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब इस मूवी को दिवाली पर रिलीज किया जाएगा, वरना कोई बड़ी बात नहीं आगे चल के फिर इस मूवी को पोस्टपोन करने का कोई धमाका हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।